जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह शेखावत सत्याधीश शर्मा क्लासेस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज के इस लेक्चर में जिलेवार अध्ययन में मैं लेकर आया हूं आपके लिए जबलपुर संभाग का अगला जिला, तीसरा जिला, जिला है नरसिंहपुर। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर ये वीडियो गलती से नहीं चलाए जाते हैं, ये आप सोच समझ कर इस जगह पर पहुंचते हैं, आपके द्वारा सर्च किया जाता है और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मध्य प्रदेश से संबंधित या फिर किसी जिले से, जैसे कि नरसिंहपुर जिले से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए और उसी उद्देश्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो निश्चित रहिए और यकीन मानिए, जिस उद्देश्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं, अन्य किसी भी वीडियोस के मुकाबले, किताबों के मुकाबले, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल जानकारी मिलने वाली है। तो अंत तक वीडियो को देखें, क्योंकि कुछ समय तक वीडियो देखकर आप पूरी जानकारी नहीं समझ सकते हैं। अंत तक देखिएगा और एक ही वीडियो में, इसी एक ही पार्ट में आप जबलपुर संभाग के नरसिंहपुर जिले को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहाँ से मिलेंगे। हम नरसिंहपुर जिले का गठन, इतिहास, उपनाम, खनिज, उद्योग, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, पत्र एवं पत्रिकाएं, नदी, घाट और ऐसी ही अन्य बहुत सारी जानकारियां हम मध्य प्रदेश के इस नरसिंहपुर जिले में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका नरसिंहपुर जिले के अध्ययन में। फिर से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये है मध्य प्रदेश का नक्शा और मध्य प्रदेश के नक्शे में ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। ये यहाँ पर बुरहानपुर और ये ऊपर चढ़ती हुई जगह, और यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर आपका हरदा, बैतूल, हरदा और ये छिंदवाड़ा लगते हुए एक जिला आता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ कि यदि भौगोलिक जो भाग है उसके आधार पर हम इसकी स्थिति देखें, तो ये जो जगह आपको दिख रही होगी, ये नरसिंहपुर से नीचे नीचे की जो जगह दिख रही है, सारी जो जगह है ये दक्षिण में, ये पूरी सतपुड़ा रेंज है। क्या है दोस्त मेरे? सतपुड़ा रेंज, अर्थात नरसिंहपुर जो जिला है वो सतपुड़ा रेंज, इसके दक्षिण से निकलती है समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसे फैली हुई है पश्चिम पूर्व तक। और इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ वाला जो क्षेत्र लगता है आपका नरसिंहपुर से ऊपर वाला, तो ये विंध्य श्रेणी गुजर रही है। कौन सी श्रेणी है? विंध्य श्रेणी। अर्थात नरसिंहपुर जिले की स्थिति नर्मदा सोन घाटी वाला जो क्षेत्र है, नर्मदा, मध्य नर्मदा क्षेत्र, उसमें इसके दक्षिण में जो आएगा वो सतपुड़ा रेंज। ये प्रश्न बन जाते, ऐसे ही प्रश्न बन जाते मेरे मित्र, कि नरसिंहपुर जिले की स्थिति को दर्शाइए। ठीक है, नरसिंहपुर जिला दक्षिण में सतपुड़ा रेंज और उत्तर में आप देखोगे तो आपको मिलेगा विंध्य पर्वत। ठीक है, आगे बात करते हैं नरसिंहपुर जिला। तो नरसिंहपुर जिले को फिर निकालिए, तो ये रहा नरसिंहपुर जिले का नक्शा। ये नरसिंहपुर जिले का नक्शा है। तो मेरे मित्र, नरसिंहपुर जिले में कितनी तहसील है? तो नरसिंहपुर जिले में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुल 5 तहसील है। कितनी तहसील है? 5। अभी तक हमने जबलपुर जिला पढ़ा है, कटनी जिला पढ़ा है, अब नरसिंहपुर जिला पढ़ रहे हैं। मैं सभी जिलों में सबसे पहले बताता जा रहा हूँ कि किस जिले में कितनी तहसील है, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन सी तहसील है ऊपर ही दिख रहा होगा आपको, सबसे पहले तेंदुखेड़ा, ये ऊपर से नीचे तक एक तहसील जो दिख रही है ये है करेली। ऊपर से नीचे तक दूसरी तहसील दिख रही है, ये है नरसिंहपुर, जिसके नाम से जिला है, मुख्यालय है। फिर है गोटेगांव और एक है गाडरवाड़ा। अर्थात आप देखेंगे तो तेंदुखेड़ा, करेली, नरसिंहपुर, गोटेगांव और गाडरवाड़ा, ये 5 तहसील आती है नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत। और नरसिंहपुर जिला आता है सतपुड़ा रेंज के ऊपर और विंध्य पर्वत श्रेणी के नीचे, और ये आता है कहां पर, आप याद रखिएगा, सतपुड़ा एवं विंध्याचल के मध्य में, सतपुड़ा एवं विंध्याचल के मध्य में। और यहाँ की अगर बात करें कृषि जलवायु की, तो मध्य नर्मदा घाटी कृषि जलवायु, ये नर्मदा नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है पूर्व से पश्चिम की ओर बहते बहते, ये जगह आपको जो दिख रही है ये कृषि के लिहाज से कैसी है मेरे दोस्त, ये है मध्य नर्मदा घाटी कृषि जलवायु। आगे मैं पढ़ाने वाला हूं कि ये जो जगह है ये इतनी ज्यादा उपजाऊ जमीन है कि एशिया की सर्वाधिक उपजाऊ जमीनों में से एक जमीन है नरसिंहपुर जिले की। और यहाँ पर अभी हाल ही में जो उत्पादन किए गए गेहूं के, वो वाकई में सराहनीय है, तो बने रहिएगा। अब देखिए दोस्त, कुछ साधारण से प्रश्न, नरसिंहपुर जो नरसिंहपुर जिला है, इस नरसिंहपुर का पुराना नाम यहां पर आपको दिखावा मिलेगा गडरिया खेड़ा।
नरसिंहपुर मैंने अभी तक बताया है, जबलपुर का पुराना नाम जो था वो आपको त्रिपुरी मिल सकता है, तेवर मिल सकता है, जबालीपुरम मिल सकता है, कटनी का मैंने बताया था मुंडवारा मिलेगा, ठीक इसी तरह से नरसिंहपुर जिले का पुराना नाम गडरियाखेड़ा है। क्या नाम है? गडरियाखेड़ा। समझते हैं आगे, देखिएगा जो नरसिंहपुर जिला है ये पूरे मध्य प्रदेश में गुड़ उत्पादन में प्रथम है, और गुड़ उत्पादन में भी अगर नरसिंहपुर जिले के अंदर एक तहसील निकालनी हो तो याद रखिएगा नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील गुड़ उत्पादन के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील गुड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और गुड़ उत्पादन में प्रथम जिला नरसिंहपुर है। यहां पर देखिए पूरी तरह से अगर पूछ लिया जाए कि दलहन फसलों में या दालों में खास करके तुअर दाल उत्पादन में प्रथम जिला तो भी उत्तर होगा नरसिंहपुर, गन्ना उत्पादन में प्रथम जिला तो भी उत्तर होगा नरसिंहपुर। मित्रों एक नाम याद रख लीजिए, गन्ना उत्पादन में प्रथम, क्यों? क्योंकि इससे फिर दो चीजें आपको अपने आप मिल जाएगी। यदि ये गन्ना उत्पादन में प्रथम है तो ये शक्कर उत्पादन में और गुड़ उत्पादन में भी प्रथम है। तो नरसिंहपुर जिला गुड़ उत्पादन में प्रथम, तुअर दाल उत्पादन में प्रथम, गन्ना उत्पादन में प्रथम और शक्कर के उत्पादन में प्रथम जिला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, याद रखिएगा। अब इसी की एक बहुत शानदार बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी गाडरवाड़ा तहसील है, इस गाडरवाड़ा तहसील का एक गांव है भटरा ग्राम। कौन सा ग्राम है? भटरा ग्राम। यहाँ की ऐतिहासिक महत्व यह है कि भटरा ग्राम में 1872 में पाषाण युगीन पाषाणकालीन बहुत बहुत पुराने समय के 1872 में गाडरवाड़ा के भटरा ग्राम से पाषाण युगीन जीव अवशेष अर्थात पशुओं के अवशेष और बलुआ पत्थर के अवशेष मिले हैं। कहां से मिले हैं? भटरा ग्राम से, गाडरवाड़ा तहसील जिला नरसिंहपुर से। मोहद गांव, अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए और बड़े अच्छे से लिखिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मोहद गांव आता है नरसिंहपुर जिले में और करेली तहसील में। करेली तहसील का मोहद गांव जो है यहां पर दोस्तों संस्कृत भाषा बोली जाती है। मोहद गांव करेली तहसील जिला नरसिंहपुर, यहां पर संस्कृत भाषा बोली जाती है, यहां के निवासी संस्कृत भाषा में बातचीत करते हैं। ये तो रहा हमारे मध्य प्रदेश का, और देश में भी एक ऐसी जगह है वो है कर्नाटक का मेट्टूर, याद रखिएगा। कौन सा है? कर्नाटक का मेट्टूर जो है वो देश का ऐसा पहला गांव है जहां पर संस्कृत भाषा में बातचीत की जाती है, वहां की भाषा संस्कृत है। और हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहद गांव, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर, भाषा संस्कृत, याद रहेगा दोस्त। चलिए अब आ जाइए इस ओर, मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले का गठन दोस्तों जिला राज्य के बनने के साथ ही हो गया था, अर्थात 1 नवंबर 1956 को ही नरसिंहपुर जिला था। आगे देखते हैं 75.69%, ये दोस्तों ये 75.69% जो लिखा हुआ है ये आंकड़ा है इस जिले की साक्षरता दर का, अर्थात नरसिंहपुर जिले में 75.69% लोग साक्षर है जो कि पूरे राज्य में सातवां स्थान रखता है। 920 प्रति हजार पुरुष, तीन लेक्चर पढ़ चुके हैं और अपने आप समझ ही गए होंगे कि प्रति हजार पुरुष पर क्या बात की जाती है, लिंगानुपात सेक्स रेशो की बात की जाती है, अर्थात प्रति हजार बच्चों में जो लड़के होते हैं उन पर 920 लड़कियां औसतन जन्म लेती है, ये नरसिंहपुर जिले का लिंगानुपात है। यहां की नदियों की बात करें तो नोट कर लेना क्योंकि कुछ नदी आप जानते हैं बाकी कुछ नहीं जानते हैं, जैसे कि नर्मदा नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी नरसिंहपुर जिले से बहती है, याद रखिएगा। शक्कर नदी, दूधी नदी, नर्मदा शक्कर दूधी या शक्कर दूधी ये सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं, 41 सहायक नदियों में से शक्कर और दूधी नदी भी इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, सीता रेखा नदी, कौन सी नदी? सीता रेखा नदी, एक है उमर नदी, नर्मदा शक्कर दूधी सीता रेखा उमर, एक है बघेल नदी, कौन सी नदी? बघेल, एक है सनेर नदी और मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये नाम आपने सुना नहीं होगा चिंकी नदी, कौन सी नदी? चिंकी नदी, लड़कियों का नाम होता ना चिंकी, तो ये वो चिंकी नदी है। अब मैं इसे क्यों हाईलाइट कर रहा हूं?
क्योंकि दोस्त 2018 में चिंकी नदी पर चिंकी परियोजना सिंचाई परियोजना चिंकी सिंचाई परियोजना जल विद्युत नहीं चिंकी सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। तो प्रश्न तो 2017 के बाद कोई परीक्षा नहीं हुई तो ये बन सकता है कि चिंकी सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है। तो चिंकी सिंचाई परियोजना नरसिंहपुर जिले में प्रस्तावित है और चिंकी नामक नदी भी है, तो याद रखिएगा चिंकी नदी नरसिंहपुर जिले में है। बाकी तो नर्मदा दूधी शक्कर सीतारेखा उमर बघेल ये सारी नदियां भी कहां पर है? नरसिंहपुर में। दोस्तों नरसिंहपुर जिला जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा नरसिंहपुर जिले का प्राचीन नाम गडरिया खेड़ा, ये तो आप जरूर याद रखें, कुछ भूलना हो तो और भूल जाए लेकिन पुराने नाम याद रखें। गडरिया खेड़ा प्राचीन नाम है नरसिंहपुर जिले का। यहां पर गडरिया खेड़ा से ये नरसिंहपुर कैसे हुआ तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में जाटों का वहां पर शासन रहा। जाट राजा जाट नरेशों ने वहां एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया जिसे बनाने में ही 28 साल लगे। गडरिया खेड़ा में जाटों ने 18वीं शताब्दी में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और वो था विशाल नरसिंह भगवान का मंदिर। किसका मंदिर था? नरसिंह भगवान का मंदिर बनवाया और उसी नरसिंह भगवान के मंदिर की विशालता के आधार पर गडरिया खेड़ा का नाम बदलकर नरसिंहपुर रखा गया। नरसिंह अर्थात जो विष्णु जी का अवतार है, पुर मतलब होता है एक गांव, एक कस्बा होता है पुर, जैसे कानपुर नागपुर और गोपालपुर। तो यह जाट नरेश द्वारा 28 वर्षों में भगवान नरसिंह जी का मंदिर बनवाया गया और उसी के आधार पर नाम हो गया नरसिंहपुर। लेकिन याद रखिएगा नरसिंहपुर का पुराना नाम गडरिया खेड़ा था। अब है बिल्थारी, इसे कई कई जगह पर बलथारी देते हैं, तो बलथारी या बिल्थारी याद रखना राजा बलि की जन्मस्थली या निवास स्थान, ये दोनों तथ्य मिलते हैं। कुछ किताबें कहती हैं कि उनका जन्मस्थली है और जन्म स्थली के बारे में स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि बड़ी प्राचीन बात है। हाँ, पर यह जरूर स्पष्ट है कि निवास स्थल रहा है। अरे राजा बलि के बारे में आपने सुना होगा, बड़ा दानवीर था और वामन अवतार लिए भगवान विष्णु ने 3 पग धरा मांगी थी, 2 पग में आकाश पाताल ब्रह्मांड पूरा सब नाप दिया था, 3रा पग धरना बाकी था, कुछ बचा नहीं था तो राजा बलि ने स्वयं अपना सिर आगे कर दिया। वही राजा बलि जिस के सर पर वामन अवतार विष्णुदेव ने अपना 3रा पग रखा था, वही राजा बलि का जो निवास स्थान जन्म स्थली बिल्थारी और जिला होगा नरसिंहपुर। याद रखना वामन अवतार से मैंने जोड़ा है राजा बलि को, वामन अवतार है विष्णु जी का, विष्णु जी का नाम है नरसिंह, तो नरसिंहपुर राजा बलि विष्णु वामन अवतार बिल्थारी सब मिल रहा है एक दूसरे से, जोड़ के रखिएगा। दोस्त मेरे व्यूअर्स तो बहुत आते हैं लेकिन आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, हो सकता है या फिर ज़्यादा अच्छे से पढ़ने में भूल भी जाते हैं, तो आप वीडियो को लाइक भी करते रहें क्योंकि आप जो वीडियो को लाइक करते हैं उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है हम और आपके लिए वीडियो बनाएं। मेहनत तो हम बहुत ज़्यादा आपके लिए करते हैं और लॉकडाउन के टाइम में हमारा उद्देश्य ये है कि आपको ऐसा महसूस ना हो कि आप एकदम जीरो हो चुके हो, क्योंकि जीरो होकर जब क्लास दोबारा आओगे ना तो मेरे दोस्त बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पढ़ रहे हैं तो यही वो मौका है, यही वो एकांत है जब आप औरों से आगे निकल सकते हो। यकीन मानिए लॉकडाउन आपके लिए मोरल डाउन करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरी बात पर अगर ध्यान दोगे अच्छे से पढ़ोगे तो यकीन मानिए जब आओगे तब आप कुछ खोकर नहीं बल्कि नया लेकर आओगे। तो याद रखिएगा वीडियो को लाइक भी करते रहिए, फिर से मैं कहूँगा बने रहिए अंत तक। देखिए बरहटा, बरहटा इसे महाभारत कालीन विराट नगर माना जाता है। याद करो विराट नगर के बारे में अभी महाभारत रामायण सब चली है, अज्ञातवास काटा था 1 वर्ष का और विराट नगर के राजा के यहाँ पर रुकने गए थे कौन? सभी पांडव। और विराट नगर को ही आप देखेंगे तो वही महाभारत कालीन विराट नगर क्या नरसिंहपुर जिले के बरहटा को विराट नगर जो महाभारत कालीन है वो विराट नगर माना जाता है। तो महाभारत काल से भी इसका संबंध रहा है और क्यों ना रहे, क्योंकि पग पग पर मिलने वाले यहाँ पर पाषाण पत्थरों से उल्लेखित होता हुआ नरसिंहपुर जिले का इतिहास बड़ा पुराना है। बीड़ी उद्योग में आप देखिए दोस्त मेरे, बीड़ी उद्योग के बारे में पढ़ चुके हैं जबलपुर जिले में, फिर भी यहाँ पर देखेंगे ये गाडरवाड़ा तहसील है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है गाडरवाड़ा तहसील और गोटेगांव, ये दोनों तहसील बीड़ी उद्योग के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। ये गाडरवाड़ा और गोटेगांव तहसील बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बोहानी
आपने आला उदल का नाम सुना होगा, पर आला उदल का नाम इसको मैं और विस्तार से पढ़ाऊंगा जब आला उदल के बारे में, जब मैं बुंदेलखंडी क्षेत्रों को मैं पढ़ाऊंगा, जब छतरपुर पन्ना खजुराहो के बारे में जब बात करूंगा। तो आला उदल जो थे, आला उदल के पिता जसराज, ये नाम मिल गया आपको, आला उदल के पिता जसराज और इनके चाचा अचराज, आला उदल के पिता जसराज और चाचा अचराज यहाँ के राजा थे। तो यूं मानो यहाँ पर इनका शासन था और ये यहाँ की देखरेख करते थे। कहाँ की? बोहानी की। तो याद रखिएगा, बोहानी नरसिंहपुर जिले में आता है और यहाँ पर आला उदल के पिता जसराज और चाचा अचराज यहाँ पर शासक थे। आपने जरूर सुना होगा कि नरसिंहपुर जिले में है गन्ना अनुसंधान केंद्र, समझ में आ रहा है ना, गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर में है, क्योंकि नरसिंहपुर गन्ना उत्पादन में प्रथम जिला है, तुअर दाल उत्पादन में प्रथम जिला है, शक्कर उत्पादन में प्रथम, गुड़ उत्पादन में प्रथम जिला है। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर में है, लेकिन नरसिंहपुर जब ऑप्शन ना होगा तो आपका ऑप्शन में उत्तर होगा बोहानी, समझ में आ रहा है, नरसिंहपुर में है लेकिन नरसिंहपुर में कहां पर है, तो वो कहां पर है, बोहानी में। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है मेरे दोस्त? ये है नरसिंहपुर में। गोटी टोरिया ग्राम, एक जगह है गोटी टोरिया ग्राम, क्यों प्रसिद्ध है यहाँ की गोटी टोरिया ग्राम के आसपास, गोटी टोरिया ग्राम के आसपास, देखो गोटे गांव से गोटी टोरिया, बड़ा आसान रहेगा, कोई नाम कंफ्यूज नहीं करेगा, यदि गोटे गांव तहसील याद है तो गोटी टोरिया मिलता जुलता। गोटे गांव गोटी टोरिया ग्राम की खदानों में, आसपास की खदानों में इमारती पत्थरों के अवशेष पाए गए हैं, मतलब ये बताता है कि खनिज की दृष्टि से भी नरसिंहपुर जिला कहीं पीछे नहीं है। गोटी टोरिया ग्राम की खदानों में इमारती पत्थरों के अवशेष, इमारती पत्थरों के अवशेष, इमारत जिनसे बनाई गई वो पत्थर है। कलमत हार क्षेत्र, ये देखो भाई, कलमत हार क्षेत्र, कलमत हार क्षेत्र एशिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से है। फिर से सुनना, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का कलमत हार क्षेत्र एशिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। और ध्यान से सुनना, ये क्षेत्र जो उपजाऊ है इसका एक कारण भी है, यहाँ पर काली छिछली मिट्टी, काली छिछली मिट्टी, काली मिट्टी, वही काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है, वही काली मिट्टी जिसके तीन भाग होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत गहरी काली मिट्टी होती है, छिछली काली मिट्टी होती है और भूरी काली मिट्टी जो जिस तरह से होती है, वही रेगुर मिट्टी। तो छिछली काली मिट्टी का क्षेत्र है कौन सा? कलमत हार क्षेत्र, एशिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से। और यदि ऐसे भी याद ना रहे तो आप किस तरह से याद रख सकते हैं देखिएगा, देखिए कलमत हार क्षेत्र सबसे उपजाऊ क्षेत्र, आप कैसे याद रखें तो देखना, यहां पर कनवास गांव, सुनना मेरे दोस्त, ये करंट का क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, 2018 का अर्थात 2017 की जो अंतिम परीक्षा है उसके बाद का, मतलब ये किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा गया। कनवास गांव के एक किसान का नाम है नरेश पटेल, कनवास गांव के एक किसान का नाम है नरेश पटेल, नरेश पटेल, इसका नाम याद रख सकते हैं, वो भी कैसे मैं बताता हूं, नरेश मतलब होता राजा, किसानों में राजा आदमी। क्यों? 2018 में पीएम सम्मान अर्थात 2018 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली में कनवास गांव के नरसिंहपुर जिले के किसान नरेश पटेल, नरसिंहपुर नरेश पटेल को सम्मानित किया, उसका एक कारण था, इस समय पर सम्मानित किया गया था नरेश पटेल को मोदी जी द्वारा, क्योंकि इन्होंने एक हेक्टेयर जमीन में 99.8 क्विंटल, 99.8 क्विंटल, लगभग 100 क्विंटल, एक हेक्टेयर जमीन में 100 क्विंटल गेहूं पैदा किया था और रिकॉर्ड बनाया था, किसने? नरेश पटेल ने। दोस्त मेरे, यदि कोई एक हेक्टेयर नहीं समझ रहा है तो वो समझे लगभग ढाई एकड़ जो होती है ना, वो ढाई एकड़ जमीन जो थी, उस ढाई एकड़ जमीन में नरेश पटेल ने 100 क्विंटल गेहूं, आंकड़ा सही देखो तो 99.8% क्विंटल गेहूं एक हेक्टेयर में पैदा किया था। इस किसान को मोदी जी द्वारा सम्मानित किया गया और यही कारण है कि इधर देखो तो उपजाऊ क्षेत्र नरसिंहपुर में है। गाडरवाड़ा, ये 2014 का प्रश्न है, गाडरवाड़ा थर्मल पावर प्लांट, ये कहां पर है? गाडरवाड़ा में है, नरसिंहपुर में, ये 2014 में लगाया गया और 3200 मेगावाट यहां विद्युत है। गाडरवाड़ा का थर्मल पावर प्लांट है गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में, 2014 में बनाया गया और 3200 मेगावाट, 3200 मेगावाट यहां पर विद्युत पैदा होती है, कहां पर? गाडरवाड़ा। नेशनल हाईवे 12 और नेशनल हाईवे 26, NH12 और NH26
यहाँ से गुजरता है, कौन से जिले से, नरसिंहपुर जिले से नेशनल हाईवे 12 और नेशनल हाईवे 26 गुजरता है, जैसे कि हम सभी जिलों में पढ़ते आ रहे हैं नेशनल हाईवे। अब हम देखेंगे कि प्रदेश में प्रथम या एकमात्र, ध्यान से सुनिएगा, नरसिंहपुर जिले में ऐसा क्या है जो या तो प्रदेश का पहला है या तो प्रदेश में एकमात्र है। यहां से प्रश्न बड़े बनते हैं जो आप एक वन लाइन फैक्ट में पढ़ते हैं कि प्रदेश में पहला 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 या एकमात्र एकमात्र, वहीं से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रथम हिंदी भाषी पूर्ण साक्षर जिला, याद रखिएगा नरसिंहपुर जिला, नरसिंहपुर जिला पहला ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जो हिंदी भाषी, पहला ऐसा जिला जो पूर्ण साक्षर जिला, और वो भी आज से नहीं 2001 की जनगणना में नरसिंहपुर जिले को पूर्ण हिंदी साक्षर, पहला पहला पूर्ण हिंदी भाषी साक्षर जिला घोषित किया गया था, कौन सा होगा, नरसिंहपुर। फिर क्या देखें हम, खुले में शौच से मुक्त, खुले में शौच से मुक्त यहाँ प्रदेश का पहला जिला है, खुले में शौच से मुक्त मध्य प्रदेश का पहला जिला। मेरे दोस्त, ये प्रश्न जितना आसान लग रहा है वो परीक्षा में ना पढ़ के जाने पर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 52 जिले हैं, कहाँ याद रखोगे। नरसिंहपुर खुले में शौच से मुक्त प्रदेश का पहला जिला है। पहला व एकमात्र किशोर बंदी गृह, जो ऐसे बालक या बालिकाएं जो 18 वर्ष से कम उम्र में अपराध कर देते हैं और उन्हें सजाएं दी जाती है, किशोर बंदी गृह पहला, प्रदेश का पहला एवं एकमात्र किशोर बंदी गृह नरसिंहपुर में। अभी ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुली जेल, मैं नहीं कह रहा हूँ कि महिला जेल, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अंडा सेल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूँ किशोर बंदी गृह छोटे बच्चों के लिए, वो कहाँ पर है, नरसिंहपुर में है। इधर देखिए, एकमात्र हॉकी छात्रावास, हॉकी मैदान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हॉकी एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हॉकी में छात्रावास की बात कर रहा हूँ। तो एकमात्र हॉकी छात्रावास कहाँ पर है, नरसिंहपुर में, मैंने क्या कहा, एकमात्र या पहला। इसी तरह से वॉलीबॉल छात्रावास भी, वॉलीबॉल वॉलीबॉल छात्रावास भी कहाँ पर है, नरसिंहपुर में है। माने गाँव खेल मेला, इसे याद रखिएगा, नरसिंहपुर जिले में एक जगह है माने गाँव, कौन सी जगह है, माने गाँव, यहाँ पर हर वर्ष एक खेल मेला आयोजित होता है, सुनना मेरे दोस्त, स्पोर्ट्स से जुड़ा है, खेल मेला आयोजित होता है, और उसकी खासियत, उसका कारण है रुद्र प्रताप सिंह की स्मृति में, किसकी स्मृति में, रुद्र प्रताप सिंह की स्मृति में नरसिंहपुर जिले के माने गांव में एक खेल मेला आयोजित होता है। तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि माने गांव खेल मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, तो वो जिला होगा नरसिंहपुर, रहेगा याद। तो मेरे दोस्त, नरसिंहपुर जिला जबलपुर संभाग में आता है, नरसिंहपुर जिले में 5 तहसील है, नरसिंहपुर जिले का प्राचीन नाम गडरिया खेड़ा है, नरसिंहपुर जिले के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी, उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी आती है, यहाँ पर मध्य नर्मदा घाटी कृषि जलवायु क्षेत्र लगता है, गुड़ उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, तुअर दाल उत्पादन में, शक्कर उत्पादन में प्रथम नंबर पर यह जिला है, और गडरिया खेड़ा नाम के इस जिले का नाम नरसिंहपुर जिला राजा, जो जाट राजा थे, उनके द्वारा 28 वर्षों में निर्मित विशाल नरसिंह भगवान के मंदिर के नाम पर रखा गया नरसिंहपुर जिला। बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पर आलाउदल से संबंधित है, बरहटा बिलथारी राजा बलि की जन्मस्थली, नरेश पटेल किसान का नाम याद रखिएगा, जो अभी तक मैंने सब पढ़ाया है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो प्रश्न भूलना नहीं, प्रदेश का पहला हिंदी भाषी पूर्ण साक्षर जिला, प्रदेश का पहला शौचमुक्त जिला, और मोहानी गांव नरसिंहपुर जिले में, सॉरी मोहद गांव नरसिंहपुर जिले में है, और यही जी वो जगह है जहां पर प्रदेश में संस्कृत बोली जाती है, और इसी तरह से मेट्टूर कर्नाटक में, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम स्लाइड 2। देखिए, अब यहाँ से हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है नरसिंहपुर जिले में पर्यटन स्थल, हम पढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछते हैं, कहाँ से, पर्यटन से, ऐसे नहीं कि नरसिंहपुर से, मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पर्यटन में नरसिंहपुर जिला हमें क्या क्या देता है, या कहाँ से अभी तक हमें खास प्रश्न मिले हैं, हम देखेंगे। एक है चोरागढ़ का किला, सुनना पूरा, मैं बताऊंगा, चोरागढ़ का किला, या इसी को कहते हैं आप चौगान का किला, चोरागढ़ का किला, या इसी में जो बना है चौगान, तो वहीं पर आता है चौगान किला।
चोरागढ़ का किला या चौगान किला ये आपको मिलेगा नरसिंहपुर में। और इस किले का निर्माण, चोरागढ़ किले का निर्माण गोंड शासक संग्राम शाह मडावी, ये लिखा मैंने, गोंड शासक संग्राम शाह मडावी के द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। आपको याद होगा रानी दुर्गावती जी के पुत्र वीर नारायण ने यहीं पर आश्रय पाया था। तो चोरागढ़ का किला एक पर्यटन स्थल है, देखने लायक जगह है, और इसका निर्माण चोरागढ़ के किले का गोंड राजा संग्राम सिंह मडावी ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। बर्मान घाट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा भाई? बर्मान घाट आपको मैंने बताया है कि बर्मान घाट मां नर्मदा के किनारे एक बड़ा सुंदर पवित्र घाट है। बर्मान घाट पर ही बर्मान का मेला आयोजित होता है। मैंने जानबूझकर मेले भी इसमें लिखे हैं, क्योंकि जो बच्चे शायद पहली बार यहीं से देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं इससे पहले मेले के दो वीडियो बना चुका हूं। आपको अगर एक साथ पूरे मेले एक साथ पढ़ना है तो आप पहले के दो वीडियो देख सकते हैं। बर्मान घाट, अब यहाँ पर क्या क्या है, तो बर्मान घाट के किनारे वराह अवतार जो होता है ना, विष्णु जी का वराह अवतार की एक मूर्ति है, और यहीं पर एक स्थान और मिलेगा हाथी दरवाजा। कभी प्रश्न आपसे बने कि हाथी दरवाजा मध्य प्रदेश में दिए गए चार विकल्पों में से कहां पर है, तो हाथी दरवाजा होगा उत्तर दोस्तों बर्मान घाट, जिला नरसिंहपुर, मां नर्मदा के किनारे। ठीक है, सप्तधारा कौन सी है? सप्तधारा, ध्यान से सुनना, ये सप्तधारा मैं बता दूं आपको, पांडवों ने वनवास बिताया था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 5 मिनट पहले का याद करूं, मैंने आपको एक जगह बताई थी और मैंने आपको जगह बताया था और मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर जो विराट नगर था, महाभारत कालीन विराट नगर, उससे तुलना करते हैं हम यहाँ की, तो वो विराट नगर ये अज्ञातवास, ये वनवास हुई तो है पांडवों का वनवास, और ये जो सप्तधारा है ना, वो सप्तधारा में कुंड बनाए गए थे। देखो भाई, सप्तधारा, सहस्त्रधारा, सटधारा, सटधारा का मेला कटनी में, सहस्त्रधारा का मेला मंडला में लगता है, ये सप्तधारा है। सप्तधारा कहाँ पर है? नरसिंहपुर में। अर्जुन कुंड और भीम कुंड ये दोनों भी कहाँ पर है? ये नरसिंहपुर में है। फिर से सुनना मेरे दोस्त, अर्जुन कुंड और भीम कुंड नरसिंहपुर में है और ये पांडवों का वनवास स्थान रहा है। टोन घाट, अंडरलाइन कर लो और स्टार बना लो, उसका एक रीजन है। टोन घाट, इस टोन घाट को ही कहा जाता है मेरे दोस्त छोटा भेड़ा घाट। पूछते हैं ना छोटा भेड़ा घाट किसे कहते हैं, तो छोटा भेड़ा घाट टोन घाट को कहा जाता है, और ये नर्मदा के किनारे नरसिंहपुर जिले में है। छोटा भेड़ा घाट कहा जाता है टोन घाट। फिर है डमरू घाटी, डमरू आकार की एक घाटी है, वो डमरू घाटी भी कहां पर है पर्यटन स्थल में? नरसिंहपुर में। ब्राह्मण घाट, ये बर्मान घाट है, ये ब्राह्मण घाट है, और ब्राह्मण घाट की खासियत है भगवान ब्रह्मा जी की यज्ञशाला। कहा जाता है कि प्राचीन समय में कुछ युग में ब्रह्मा जी की यज्ञशाला रही है, तो वही जगह कहलाती है ब्राह्मण घाट। एक आश्रम है यहीं पर, उस आश्रम का नाम है झोतेश्वर आश्रम, झंडे वाला झोतेश्वर आश्रम। कौन सा आश्रम मेरे दोस्त? झोतेश्वर। परमहंसी गंगा आश्रम, कौन सा? परमहंसी गंगा आश्रम झोतेश्वर आश्रम और ब्राह्मण घाट, ये सभी नरसिंहपुर में है। जाटेश्वर मंदिर, इसको तो ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, क्यों? क्योंकि दो चीजें देखो, एक तो है जाटेश्वर मंदिर और एक है आपका नरसिंहपुर मंदिर। तो नरसिंहपुर मंदिर के नाम पर ही नरसिंहपुर इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इसका नाम तो गडरिया खेड़ा था, और नरसिंहपुर मंदिर बनवाया किसने था? जाटों ने। जाटेश्वर मंदिर, नरसिंहपुर मंदिर दोनों कहां पर है? नरसिंहपुर जिले में। और जो जाटेश्वर मंदिर है इसे आदि गुरु शंकराचार्य की तपोभूमि माना जाता है, और यहीं पर एक घाट है जिसका नाम है शांकल घाट। ये शांकल घाट का संबंध भी आदि गुरु शंकराचार्य से ही है। याद रहेगा पर्यटन में क्या क्या पढ़ना है आपको? सप्तधारा, बर्मान घाट, ब्राह्मण घाट, सबसे महत्वपूर्ण याद रखेगा टोन घाट, चोरागढ़ का किला अर्थात चौगान का किला राजा संग्राम शाह के द्वारा बनवाया गया, झोतेश्वर आश्रम, ये सभी जगह कहां पर है? नरसिंहपुर में। मेले मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार देखिए, देवी मड़िया का मेला, मिठवानी का मेला और बर्मान का मेला। मैंने आपसे क्या कहा था कि बरमांग, नरसिंह भगवान ने क्या कहा? बरमांग मतलब बरमान का मेला। उसने कहा मैं तो नहीं मांग सकता, उन्होंने क्यों मांगू? उन्होंने कहा तो 13 दिन है, 13 मतलब यूएस डे, 13 दिन है तुम मांग ले, मतलब 13 दिन तक लगता है बरमान का मेला। जब उसे बरमन मिल गया, क्या बर मांगा उसने कि नर जो है मैं नर जो हूँ सिंह की तरह हो जाऊं। तो भाई बहुत ही बढ़िया, देवी मड़िया, कोई नर जो है सिंह की तरह हो गया तो क्या कहा? बहुत ही बढ़िया, मिठाई बटवाओ, मिठवानी,
तो इस तरह से हमने याद किए थे पिछले लेक्चर्स में, बरमान का मेला, मिठवानी का मेला, देवी बढ़िया का मेला, ये सब कहाँ पर लगता है? नरसिंहपुर में। पत्रिका मैंने जबलपुर में पढ़ाई थी, कटनी में ऋण महाकौशल जन्मेजय भारती पढ़ाई थी, और यहाँ पर देखिए तुलसी रंगत। नरसिंहपुर से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? तुलसी रंगत नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है कहाँ से? नरसिंहपुर से। चलिए और देखते हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करते हैं मेरे दोस्त। हम मध्य प्रदेश के जितने भी जिले पढ़ेंगे उस जिले से संबंधित यदि कोई खास व्यक्ति है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व में महर्षि महेश योगी, इनके नाम से सुना होगा, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, कंप्यूटर शिक्षा भी इनके नाम से दी जाती है, महर्षि महेश कंप्यूटर PGDCA वगैरह होता है ये, महर्षि महेश योगी याद रखना नरसिंहपुर, भवानी प्रसाद मित्र का संबंध याद रखिएगा कहाँ से? नरसिंहपुर। अंडरलाइन करो मेरे कहने पर, आपको ये नाम रटना होगा, याद करना होगा, आशुतोष राणा। फिर से सुनो, नरसिंहपुर में जन्म लेने वाले आशुतोष राणा, उनका बचपन का या मूल नाम था राम नारायण निखा। फिर से सुनिएगा, आशुतोष राणा वास्तविक नाम है राम नारायण निखा, और आशुतोष राणा है फिल्म अभिनेता। याद करो, इनकी कई सारी फिल्में हैं, और नहीं है तो YouTube पर जाकर डालना, आपको ये मिल जाएंगे आशुतोष राणा। आपने पंक्तियां सुनी होगी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या के सामने एक बहुत वीर रस की पंक्तियां आपने सुनी होगी YouTube पर, सुनना कि हे भारत के राम जगो में तुम्हें जगाने आया हूँ। याद है ना, हे भारत के राम जगो में तुम्हें जगाने आया हूँ, वो जो पंक्तियां कहता है वो आशुतोष राणा है, ये फिल्म अभिनेता है आशुतोष राणा। इनका संबंध, इनका जन्म हुआ है नरसिंहपुर में। ये पूछा इनमें से सैयद हैदर रजा, पैसा बड़े ही विश्वविख्यात चित्रकार, जिन्होंने फ्रांस इटली जैसे देशों में अपनी चित्रकला का प्रदर्शन किया है, इनकी जन्मस्थली रही है, जन्मस्थली नरसिंहपुर, सैयद हैदर रजा। पूछ लिया जा सकता है सैयद हैदर रजा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह है चित्रकला से, चित्रकार है। और वेरी IMP करंट, ये लिखा है 2019, तो यूँ समझ रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019, और आज के लेक्चर का अंतिम, रोमा रघुवंशी। दोस्त मेरे ध्यान से सुनना, रोमा रघुवंशी, और ये है मिसिस मध्य प्रदेश 2019, मिस MP नहीं, मिस्टर MP तो हो नहीं सकता है नाम से, मिसिस MP 2019। मैं आपको मिस MP भी पढ़ाऊंगा, समझ में आ रहा है ना, मिसिस MP 2019, श्रीमती मध्य प्रदेश 2019, रोमा रघुवंशी का संबंध कहाँ से है? रोमा रघुवंशी का संबंध नरसिंहपुर से, या फिर सब कुछ दे देगा कि 2019 की श्रीमती मध्य प्रदेश अर्थात मिसेस MP 2019 रोमा रघुवंशी का संबंध किस जिले से है? उत्तर होगा नरसिंहपुर जिला। और इसी जानकारी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक साइड खड़ा हुआ हूँ क्योंकि इधर की जानकारी आपके पास है। ये अंतिम चैप्टर था, समाप्त करता हूँ मैं नरसिंहपुर जिले को, और अगले लेक्चर में मिलूंगा मैं आपके साथ जबलपुर संभाग के ही किसी एक अन्य जिले के साथ में। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अगर आपको जानकारी सही लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी बात रखिए, और कमेंट्स के माध्यम से मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जय हिंद, नमस्कार।